सोमवार यानी 20 मई की सुबह पुलिस ने बेंगलुरु में एक पार्टी के बाद एक फार्म हाउस पर छापा मारा था और उसी दिन हेमा ने एक वीडियो भी जारी कर दावा किया था कि वो पार्टी में नहीं थी। लेकिन पुलिस का दावा इससे काफी अलग है। उन्होंने एक्ट्रेस को इसमें शामिल पाया है क्योंकि उनके खून में ड्रग्स की मात्रा पाई गई है। बेंगलुरु पुलिस ने खुलासा किया है कि तेलुगु एक्ट्रेस हेमा ने भी ड्रग्स का सेवन किया था। वो उन 86 लोगों के साथ पॉजिटिव पाई गई हैं जिन्हें रेव पार्टी में पकड़ा गया था। बेंगलुरु पुलिस ने प्रेस रिलीज में दावा किया है कि वो कार्यक्रम 19 और 20 मई को हुआ था, किसी के जन्मदिन के जस्ट की आड़ में आयोजित एक बड़ी सभा थी। हालांकि पुलिस को पता चला कि पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया जा रहा था। हेमा के वीडियो के विपरीत पुलिस का ये दावा है कि उनके पास उनके फ्लाइट टिकट हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो बेंगलुरु गई थी। उन्होंने उनके बयान को भी झूठा बताया है। किसी वासु नाम की बर्थडे पार्टी थी जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। 19 मई को FIR दर्ज की गई थी जिसमें शिकायत के तहत बताया गया था कि सभी लोगों की शांति में खलल डाल रही है और MDMA, कोकीन और हाइड्रोगंगा जैसे अवैध पदार्थों का सेवन किया गया है, उसको बेच रहे हैं। केंद्रीय अपराध शाखा यानी CCB ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी और हेबागोडी पुलिस स्टेशनों से जांच अपने हाथ में ले ली है। वो नोटिस जारी करने और उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में है जो ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। बयान के अनुसार वहां मौजूद 86 लोगों में हेमा भी शामिल थी जो कि ड्रग्स का सेवन करते पाई गई थी। हेमा ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनका नाम बिना किसी कारण के इसमें घसीटा गया और वो हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस में थी। हेमा ने दावा किया कि उन्हें कथित तौर पर गिरफ्तारी के बारे में पत्रकारों और शुभचिंतकों से लगातार फोन आ रहे थे। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो हैदराबाद में है, बेंगलुरु में नहीं। कृपया अफवाहों पर विश्वास ना करें। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, ये झूठी खबर है, मैं पार्टी में नहीं थी।